दोस्तों रियोग ने इस वीडियो में ओमनिसेप ओ 50 एमजी सिरप के बारे में, भाई क्या है, कहाँ दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए ओमनिसेप ओ 50 एमजी सिरप एक पीने की लिक्विड आती है, सिरप आती है। ये छोटे बच्चों में दी जाती है। अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 2 से 3 साल तक का है तो वहाँ ये दी जाती है। दोस्तों एरिस्टो कंपनी इसे बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, लगभग हर दवाई दुकान पर, हर केमिस्ट स्टोर पर मिल जाती है। इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी बच्चों के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट में एड की जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है सिफेक्सिम 50 मिलीग्राम। सिफेक्सिम H1 ड्रग के अंदर आता है, डॉक्टर की देखरेख में ही ली जाती है और दी जाती है। सिफेक्सिम एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम में काम आता है। जैसे कि कई बार बच्चे को न्यूमोनिया हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया हो जाता है, जकड़न हो जाती है, कफ बनने लगता है, गीली खांसी आने लगती है बच्चे को, या बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आती है, या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, मोकस वाली खांसी आने लगती है, या गले में इन्फेक्शन है तो वहाँ पर दे सकते हैं। या इसके साथ साथ दोस्तों अगर कोल्ड है, जुकाम है, वायरल है तो वहाँ पर भी देते हैं। जुकाम के साथ साथ बुखार है, बुखार की प्रॉब्लम है तो बुखार को उतारने के लिए भी दी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों कई सारे इन्फेक्शन में और भी काम करती है, जैसे कि आँख में होने वाले इन्फेक्शन में आँख से पानी आ रहा है, कान में इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी काम करती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो सिफेक्सिम है एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, साथ ही साथ ये उन प्रोटीन्स को बनने से रोकता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, जिससे कि वो सारे सारे एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। जाने डोज के बारे में, तो डोज होती है बच्चे का बॉडी वेट देख के ही डॉक्टर बता देती है, और हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही डोज देनी चाहिए। दोस्तों वैसे नॉर्मल डोज होती है 5-5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम खाने के बाद, अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल तक का है। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, तो एलोपैथिक मेडिसिन है, हो सकते हैं साइड इफेक्ट, बहुत ही कम चांस में होते हैं लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे कि बच्चे को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया या वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन ये हर किसी बच्चे के साथ नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी बस यही है कि डॉक्टर की सलाह से देना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद अगर कोई बच्चे को साइड इफेक्ट हो भी जाए तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताइएगा और इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।